ऑल राइट गाइज, यार कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस कमाल के वीडियो पे। एंड आज के वीडियो पे गाइज हम लोग करने वाले हैं गाइज स्पीड टेस्ट, एंड वो भी इंडियन कार के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी की सारी इंडियन सेडान्स एंड इंडियन एसयूवीज को ला रखा है। एंड आज की ड्रैग रेस, मतलब ड्रैग रेस भी होगा एंड स्पीड टेस्ट भी होगा। ठीक है, ये वाला ट्रैक है, हम लोग यार रेस भी करेंगे एंड स्पीड टेस्ट। पूरा स्ट्रेट रोड है तो यहाँ पे गाड़ियों की टॉप स्पीड हम लोग को पता चलेगी एंड कौन सी गाड़ी सबसे पहले फिनिश पॉइंट तक पहुंचती है वो पता चलेगा। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे टाइमर भी चालू करेंगे, साइड में टाइमर चलते रहेगा, लाइक कौन सी गाड़ी कितने टाइम पे पहुंच रही है सब आपको पता चलेगा। लाइक कौन सी इंडियन एसयूवी या सेडान सबसे ज्यादा फास्ट है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, एंड रेस यहाँ तक होगा, थोड़ा सा लंबा होगा। चलो गाइस यार बहुत ज्यादा मजा आएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके डेट्रैक्स फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है तो किस बात के इंतजार है गाइस, फटाफट से लाल वाले बटन को दबा दो एंड सब्सक्राइब कर लो डेट्रैक्स फैमिली को, ताकि गाइस आने वाले किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सको। तो चलो गाइस यार एक एक करके सारी गाड़ियों को ट्राई करते हैं, लेट्स गो। ऑल राइट गाइज, यार वी आर ऑन द ट्रैक। हम लोग फॉर्च्यूनर की स्पीड टेस्ट करने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, चलो रेस को चालू करते हैं, टाइमिंग भी आपको मैं दिखा दूंगा आखिरी में कितने टाइम पे पहुंची है फॉर्च्यूनर। ओके, 3, 2, 1, लेट्स गो। रेस चालू हो चुकी है एंड चलो हम लोग को भगाना पड़ेगा फॉर्च्यूनर को। एंड गाइज एक और चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ यार, यहाँ पे जो आप लोग को गाड़ियों की स्पीड देखने को मिलती है ना, मतलब मैं अभी जितनी स्पीड में फॉर्च्यूनर को भगाने वाला हूँ ना, वो रियल लाइफ से बहुत ही ज़्यादा अंतर है। लाइक रियल लाइफ में आपको जो फॉर्च्यूनर की स्पीड देखने को मिलेगी या जो भी गाड़ियों की स्पीड देखने को मिलेगी, वो इस गेम से बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में यार मुझे बोलना मत कि भाई रियल लाइफ में फॉर्च्यूनर 200 जाती है, गेम में 400 जा रही है। ठीक है, तो ऐसा इतना आप मजे करो ठीक है आज की वीडियो में। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं फिनिश पॉइंट पे। 350 का स्पीड हम लोगों ने पकड़ा है, 330। ओके, ऑलराइट 330। ओके ब्रेक, ऑलराइट गाइस हम लोग को यहाँ पे 40 सेकंड लगे टोटल, 41.89 सेकंड लगे हम लोग को यहाँ पे रेस को कंप्लीट करने में। एंड गाइस फॉर्च्यूनर की टॉप स्पीड है 330 टॉप स्पीड। ठीक है, अब चलते हैं अगले ड्रैग रेस पे, बट इस बार दूसरी गाड़ी को ट्राई करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में सारी गाड़ियों को ट्राई करेंगे यार, i20 से लेके होंडा सिविक A2Z, सेडान, एसयूवी सब कुछ। ऑलराइट गाइस यार अब बारी आ जाती है होंडा सिटी की, लेट्स गो भाई, देखते हैं क्या हम लोग रेस को जीत पाएंगे। वैसे जीतेंगे तो ऑब्वियसली, लेकिन गैस करो यार होंडा सिटी का टॉप स्पीड कितना रहता है। ठीक है, रेस चालू हो चुकी है, ऑलराइट आराम से भाई, बलेनो धक्का क्यों मार रही है यार, चलो चलते हैं। ओके इजी भाई, काफ़ी बड़ा ट्रैक है, आराम से हम लोग ओवरटेक करेंगे। वैसे मेरे आगे आपको होंडा सिविक दिख रही है क्या, वो येलो कलर की, भाई बहुत सही लग रही है यार देखने में, बट खैर हम लोग को आगे निकलना है। मेरी गाड़ी का अभी तक स्पीड गया है 170-80। ओके, मेरे को जहाँ तक लग रहा है 230 तक जाएगा, 240-250 तक जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा जाना मुमकिन ही नहीं है। ओके, इतने स्ट्रेट रोड में गए सर, यहाँ पे होंडा सिटी लगभग 265। ओके अच्छा खासा दे रही है, अब 280 टच करेगी, ऑलराइट 280 टॉप स्पीड गया अभी तक यार, 290। ओके 300 हम लोग टच कर सकते हैं, लेट्स गो, थोड़ा सा और। ओके 300 के ऊपर नहीं जाएगा। ओके 300 इज द टॉप स्पीड ऑफ होंडा सिटी भाई, लेट्स गो भाई, टॉप स्पीड 300 एंड मतलब 300 कह सकते हो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट है, 49 सेकंड में हम लोगों ने ये रेस को कंप्लीट किया है। फॉर्च्यूनर को यही रेस को कंप्लीट करने में 41 सेकंड लगे थे। ठीक है, तो यहाँ पे यार होंडा सिटी को बहुत ज़्यादा टाइम लगा एज कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर। ओके ऑलराइट, बाकी गाड़ियाँ भी आ रही है, ऑलराइट भाई एक एक करके सारी गाड़ियाँ आ रही है। ठीक है, टाइमिंग आप बगल में देख सकते हो, सियाज का टाइमिंग है 1, फॉर्च्यूनर का 1.9, थार का है 1.10 और एक्सयूवी का 1:10, और ऐसा आपको दिख रहा होगा बगल में। ठीक है यार, थोड़ा व्हाइट कलर में इसलिए विजिबल नहीं है, बट खैर यहाँ पे ट्रैक गायब हो चुका है। हम लोग भी चलते हैं अगले ड्रैग रेस पे, मतलब अगले स्पीड टेस्ट पे। ठीक है, अब बारी आ जाती है गाइस यार लैंड क्रूशर की, एंड ये गाड़ी पे मैंने नाइट्रो लगा रखा है यार, एंड ये बाय डिफॉल्ट है, पीछे आप देख सकते हो, वैसे हुक है बट नाइट्रो अलग से मैंने लगवाया है। ठीक है, आपको चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ नाइट्रो वाला स्पीड, लेकिन यार चीटिंग हो जाएगा, थोड़ा पीछे से चलते हैं ताकि गाइस यार चीटिंग ना लगे। ओके नाइट्रो से चालू करूँ क्या, गाड़ी की स्पीड देखो 280 तो ऐसी हो गया भाई। चलो हम लोग सबसे आगे हैं भाई, नाइट्रो यूज़ करके मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बस स्टार्टअप लिया है। ठीक है, चलता है इतना तो, एंड गाड़ी की स्पीड देखो 280 ऊपर जा रही है, नाइट्रो चलाऊंगा तो भाई गाड़ी आराम से 400 पकड़ देगी, क्या बोलते हो गाइस, पकड़ूँ क्या नाइट्रो, नहीं गाइस यार बाकी गाड़ियों के साथ चीटिंग हो जाएगा। ओके, मैं अभी से बता दे रहा हूँ गाड़ी का स्पीड 330 यार, फॉर्च्यूनर जितना जाएगा, तो नाइट्रो यूज़ करना बनता है, लेट्स गो। सेवंथ गियर में, ओके
400 के स्पीड में हम लोगों ने रेस कंप्लीट किया, बट स्टिल हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्च्यूनर से ज्यादा टाइम लिया है भाई। लैंड क्रूजर फॉर्च्यूनर से स्लो है डेफिनेटली, क्योंकि यार फॉर्च्यूनर की लगा था टोटल 41 सेकंड ये रेस को कंप्लीट करने में, एंड यहाँ पे लैंड क्रूजर को टोटल 43 सेकंड लगे, एंड हम लोग अंडर वाटर आ चुके हैं यार। पानी के अंदर गाड़ी चलेगी यार? नाइट्रो, ओके नाइट्रो नहीं चल रही है, मेरे को लगा नाइट्रो चलेगी, बट खैर कोई बात नहीं गाइस। यार रेस काफ़ी अच्छा था, लगभग हम लोगों ने फॉर्च्यूनर को बीट कर दिया था, बट अभी तक यार फॉर्च्यूनर का रिकॉर्ड किसी ने भी नहीं तोड़ा है। इवन तो लैंड क्रूजर ने नाइट्रो यूज़ किया, तब भी यार लैंड क्रूज फॉर्च्यूनर का स्पीड रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगली गाड़ी देखते हैं कैसा ये रिकॉर्ड तोड़ पाती है, यानी लेट्स गो। ऑल राइट गाइज, अब हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं ब्लैक स्कॉर्पियो। लेट्स गो भाई, मैं पीछे आ जाता हूँ, इस पर भी नाइट्रो लगा हुआ है, बट खैर इस पर नाइट्रो यूज़ करें क्या, क्या बोलते हो गाइस, रुको सबको थोड़ा आगे जाने दो, एंड पीछे से जीरो नाइट्रो, नाइट्रो से स्टार्ट करेंगे ठीक है इस बार रेस। ओके चलो भाई, सिंगल बूस्टर लगा हुआ है, बट स्टिल गाड़ी की स्पीड देख रहे हो। ओके छोटा नाइट्रो का था, एक ही सिलेंडर था बोल के यार जल्दी खत्म हो गया, बट खैर यार गाड़ी पलट चुकी है। लेट्स गो भाई, यहाँ पे फॉर्च्यूनर का बहुत बुरा हाल होता हुआ, कोई गल नहीं गाइस, हम लोग को नाइट्रो का फिर से यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम लोग यार कवर अप ले सके। ओके लेट्स गो। ऑलराइट ओके, गाड़ी का स्पीड 360 गया है, बट स्टिल अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में आपको एक्चुअल स्पीड पता चल जाएगा। ओके यहाँ पे फॉर्च्यूनर 370 का स्पीड दे रही है, ओ माय गॉड भाई ये क्या हो रहा है भाई, टोटल 370 का स्पीड, ओके बहुत ज़्यादा यार, फॉर्च्यूनर का रिकॉर्ड टूट चुका है आई गेस। ओके एंड हम लोग यार अभी तक फिनिश पॉइंट को टच नहीं किया, नहीं पता क्या स्कैम है। ओके हम लोगों ने पार कर दिया, हम लोगों को टोटल लगे यार 55 सेकंड, मतलब गाइस यार ये जो टाइमिंग दिखाता है ना ये अपने एक्चुअल रियल स्पीड का दिखाता है ठीक है। अगर हम लोग रियल स्पीड से आएंगे ना तो कितना टाइम लगेगा, तो रियल स्पीड से अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे स्कॉर्पियो को 55 सेकंड लगेंगे यार, फिर भी हम लोग यहाँ पे फॉर्च्यूनर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रहे भाई। कोई बात नहीं, अभी तक यार ट्रैक कितना ऊँचा है यार, इतना भयंकर लग रहा है देखने में, बट खैर यार ये वाली रेस में भी यार हम लोग यहाँ पे फॉर्च्यूनर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, स्कॉर्पियो अभी भी फॉर्च्यूनर से स्लो है। लेट्स गो भाई, अगली गाड़ी को देखते हैं यार। ऑलराइट गाइस, इस बार हम लोग ट्राई करने वाले हैं होंडा सिविक को यार, एंड एक और चीज़ बता दूं यार, इस वाले ड्रैग रेस पे मैं नाइट्रो वगैरह यूज़ नहीं करूँगा सोचा हूँ यार, क्योंकि यार आप लोगों को पता है नाइट्रो की वजह से थोड़ा सा चीटिंग हो रहा है गाइस। कोई बात नहीं, चलो निकलते हैं। वैसे इस बार गाइस सारी गाड़ियाँ एक साथ निकली है यार, सबको ओवरटेक करने में थोड़ा सा हम लोग को मेहनत लग जाएगा, बट खैर यार चलता है, ओवरटेक करेंगे। ओके हमारे साइड दे। ऑलराइट भाई, एक तरफ हम लोग टकरा गए, डेंट लग चुका है, कोई बात नहीं, एंडियोवर को ओवरटेक भाई, सबसे आगे चल रही है लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर यार, दोनों अभी तक टॉप स्पीड दिखा चुके हैं अपना, बट होंडा सिविक की देखते हैं कितना टॉप स्पीड जाती है। ओके लेट्स गो, 300 पार हो चुका है। ओके मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है फॉर्च्यूनर का रिकॉर्ड टूटने वाला है। ओके फॉर्च्यूनर की टॉप स्पीड हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है, गाड़ी का टॉप स्पीड चल रहा है 360। ओके यार अभी तक हम लोग यार काफ़ी प्यारे स्पीड के साथ चल रहे हैं। ओके एंड हम लोगों ने यहाँ पे रेस भी ख़त्म कर दिया यार, काफ़ी प्यारा, लिटरली भाई काफ़ी प्यारा यहाँ पे होंडा सिविक का परफॉर्मेंस देखने को मिलता हुआ, लाइक काफ़ी प्यारा यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ दिया है हम लोगों ने, मतलब होंडा सिविक का टॉप स्पीड यहाँ पे बनता है, गाड़ी का स्पीड था 360, अभी तक इतना स्पीड किसी भी गाड़ी ने टच नहीं किया है, तो भाई साहब होंडा सिविक ओपी इन द चैट यार, ये फर्स्ट चल रही है अभी फिलहाल। सेकंड पोजीशन पे बलेनो, थर्ड पे i20, फोर्थ पे लैंड क्रूजर, एंड एक एक करके सारी गाड़ियाँ आ रही है, एंड ये तो पानी में भी चल रही है भाई, क्या हो रहा है। ओके बूस्टर भाई, बूस्टर चल रहे हैं भाई। ओके पानी में दिख नहीं रहा है लेकिन मैं बूस्टर का यूज़ कर रहा हूँ यार, ये जो स्पीड आप देख रहे हो ये बूस्टर की वजह से मुझे मिल रहे हैं, बट खैर जो भी है गाइस यार चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस यार, अब बारी आ जाती है एंडेवर की ठीक है, एंडेवर देखते हैं क्या ये चैलेंज को कर पाएगी, एंड कितना टाइम लगेगा, कितना पावर लगेगा गाड़ी की, कितनी स्पीड रहेगी, चलो देखते हैं यार। वैसे ये वन ऑफ दी बेस्ट गाड़ी है फोर्ड एंडेवर यार, इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने यार अगर आप रियल एसयूवी लवर हो ना तो आपने एक ना एक बार इस गाड़ी का नाम तो डेफिनेटली सुना होगा ठीक है, एंड ये गाड़ी मेरी फेवरेट है यार, मेरे को मतलब स्टार्टिंग के समय मुझे ये गाड़ी उतना नहीं पसंद था, लेकिन जब आप लोगों ने डिमांड किया थी कि भाई एंडेवर को लाओ, तब से गाइस यार मैंने यार एंडेवर को लाना चालू किया, एंड मैं इसका परफॉर्मेंस देखता हूँ ना गाइस अभी तक यार मेरे को मतलब यार ऐसा लगता है ना कि वन ऑफ दी बेस्ट कार है यार, लिटरली एसयूवी के मामले में नहीं पता बहुत सही लगती है, बट यार इंडिया से बैन हो चुकी है यार पूरी की पूरी फोर्ड यार, बट खैर जो भी है। यहाँ पे गाइस यार गाड़ी का टॉप स्पीड देखने को मिलता हुआ 315 अराउंड ठीक है, एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड यार 430 सेकंड में हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, बट खैर हम लोग यहाँ पे इसे फॉर्च्यूनर के ऊपर वाली स्पीड तक नहीं ले जा पाए यार, फॉर्च्यूनर का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, फॉर्च्यूनर को ज़्यादा स्पीड पकड़ी थी भाई, नहीं
होंडा सिविक, ठीक है होंडा सिविक यहाँ पे यार 360 का स्पीड पकड़ी थी एंड फॉर्चुनर 330 का। तो यार हम लोग अभी तक यार किसी का रिकॉर्ड तोड़े नहीं है यार, एंड ओवर नहीं तोड़ पाई। ओके माउट टू माउट टक्कर हो चुका है यहाँ पे लेजेंडर के साथ, बट खैर मजा आ गया भाई यार, काफी दिलचस्प रेस था। चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने, लेट्स गो। Alright, we are on the track with the Fortuner Legender भाई साहब। यार जहाँ तक मुझे लगता है ये गाड़ी सबका रिकॉर्ड तोड़ेगी, ठीक है। ये हल्की फुल्की मॉडिफाइड भी है, इंजन वगैरह पूरा मतलब सब लगा हुआ है, नाइट्रो भी लगा हुआ है नीचे, आप देख सकते हो यार। वो रेड कलर का जो सिलेंडर है ना वो नाइट्रो दिखाता है, लाइक वो नाइट्रो है, ठीक है। मैं यूज़ भी कर सकता हूँ बट खैर यार चीटिंग हो जाएगी। ओके धक्का क्यों मार रहे हो भाई, लेजेंडर तोड़ेगी भाई पक्का, अभी से पता चल रहा है। स्पीड देख रहे हो, गाड़ी का स्पीड 330 अभी टच कर दिया है और ट्रैक को खत्म होने में बहुत देर है, गाड़ी का स्पीड 360 टच हो चुका है। ओके यहाँ पे होंडा सिविक का हम लोग रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं थोड़ा सा आगे, और एंड भाई साहब 380 का स्पीड। ओके 390 और राइट, यहाँ पे लेजेंडर ने ऑलमोस्ट ऑल 400 टच कर दिया है, बट यार ब्रेक मारना पड़ेगा, लग जा ब्रेक। ओके टाइमिंग में ब्रेक लग चुका है, कितना लंबा ब्रेक मारे यार। वैसे यहाँ पे यार पहला रिकॉर्ड 40 सेकंड में लेजेंडर ने रेस कंप्लीट किया है भाई, पहली गाड़ी यार लिटरली सबसे पहले 40 सेकंड में यार। यहाँ पे टॉप था 41 सेकंड जो कि हमारे फॉर्चुनर का था, बट यहाँ पे लेजेंडर ने रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दिया है भाई, 40 सेकंड के अंदर रेस खत्म किया है, मजा आ गया भाई लिटरली मजा आ गया। फॉर्चुनर लेजेंडर ओपी इन द चैट, स्पैम करो यार कमेंट सेक्शन में, हर कोई स्पैम करो यार, मजा आ गया भाई कसम से मजा आ गया। लेट्स गो भाई, चलते हैं अगले ड्रैग रेस पे, बट इस बार दूसरी गाड़ी को ट्राई करेंगे, ठीक है। ऑलराइट गाइस यार यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं XUV 700 के साथ, एंड इसका देखते हैं गाड़ी का टॉप स्पीड कितना ज़्यादा है, ठीक है। मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ यार, ये जो गाड़ी है ना यार महिंद्रा की पहली गाड़ी है, हम लोग ट्राई कर लें, ठीक है। इसके बाद महिंद्रा की गाड़ियों को ट्राई करेंगे, लाइक थार हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, ठीक है, उन लोगों को ट्राई करेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे स्पीड पकड़ा जाए। ओके यहाँ पे XUV सबसे आगे निकल रही है, ऑलराइट भाई हम लोग स्पीड पकड़ रहे हैं। ओके 270 का स्पीड कैप्चर हो चुका है। ओके 300 टच होने वाला है, लेट्स गो भाई, XUV 700 ओपी इन द चैट, लेट्स गो भाई। यहाँ पे 320 ओके नहीं जाएगा, मुश्किल है, बहुत कम चांसेस है। ओके 340 ऑलराइट भाई 340 लेजेंडर का स्पीड पार कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा और ओके 360 टच हो चुका है, एंड भाई 362 एंड यहाँ पे हम लोग यार काफ़ी प्यारा परफॉर्म कर रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पे लेजेंडर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया भाई, लेजेंडर सबसे पहले पहुँची। नहीं गाइस यार लेजेंडर का टाइमिंग भी इतना ही है, XUV 700 का टाइमिंग है 40 सेकंड एंड 107। आप मुझे लेजेंडर का टाइमिंग बताओ यार, बैक करके थोड़ा सा बैक करो, एंड लेजेंडर का टाइमिंग देखो यार कितना है, इसका टाइमिंग देखो 40.107 है, लेजेंडर का कितना है यार कमेंट सेक्शन में बताओ, कौन ज़्यादा तेज़ है, दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा तेज़ है, XUV ज़्यादा तेज़ है या हमारी फॉर्चुनर लेजेंडर, लेट्स गो भाई बताओ यार कमेंट सेक्शन में। फिलहाल अब चलते हैं भाई महिंद्रा की शान महिंद्रा थार को ट्राई करने वाले हैं। ओके पानी में नहीं, परफेक्ट लैंडिंग था। ओके यार जस्ट हम लोग बीच पे गिरे, कोई गल नहीं गाइस, चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने, लेट्स गो। अब बारी आ जाती है गाइस यार महिंद्रा की शान, इंडिया की बेस्ट एंड मोस्ट फेमस कार यार महिंद्रा थार, लेट्स गो भाई। ओके हम लोग रेडी हैं, रेस चालू हो चुके हैं, एंड ये गाड़ी में भी भाई नाइट्रो लगा हुआ है, लेकिन नाइट्रो का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। ओके चल निकालते हैं आगे। ऑलराइट गाइस हम लोग सबसे आगे आ चुके हैं, सेवंथ गियर लग चुका है गाड़ी का। ऑलराइट भाई इंडिया की कुछ ही गाड़ियों में सेवंथ गियर अवेलेबल है यार, इवन तो मेरे को नहीं लगता रियल लाइफ में यार थार में सेवंथ गियर लगता भी होगा यार, मैंने कभी थार में बैठा भी नहीं है ना, कभी झाका है, ठीक है। आप बताओ यार थार के अंदर सेवंथ गियर रहता है कि नहीं। वैसे गाइस यार यहाँ पे थार की स्पीड कुछ ज़्यादा ही क्यों जा रही है भाई, 380 पार हो चुका है। ओके 390 टच हो चुका है, एंड यहाँ पे हम लोग यार फर्स्ट आने वाले हैं। ऑलराइट ब्रेक 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 ऑलमोस्ट ऑल भाई ऑलमोस्ट ऑल 400 का स्पीड हम लोगों ने टच किया है, बट गाइस यार मैं आप लोगों को फिर से बता दूं यार, एंड भाई टाइमिंग देख लो 38 सेकंड भाई, लिटरली न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड यार, लिटरली वर्ल्ड रिकॉर्ड यार, पहली गाड़ी जो यहाँ पे 38 सेकंड में पहुंची है, मतलब 40 के नीचे पहुंची है भाई, वो भी यहाँ पे 2 सेकंड पहले यार। यहाँ पे हम लोग को न्यू विनर मिल चुकी है महिंद्रा थार, एंड गाइस यार मैं आप लोगों को वो बता रहा था कि ये सिर्फ एक गेम है, ठीक है, गेम के अंदर आपको ऐसा स्पीड देखने को मिल रहा है, रियल लाइफ में यार कोई ऐसा मतलब कोई मिस मैच मत करना कि थार कम स्पीड है लेजेंडर ज़्यादा होती है, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी पता है, बट ये है कि भाई ये गेम है, ठीक है यार ये याद रखो बस यार मैं ये बता रहा हूँ। ओके वैसे यहाँ पे यार
कार का काफी प्यारा स्पीड देखने को मिला हम लोग को भाई, लिटरली यार फर्स्ट भी आ गई एंड यार 38 सेकंड न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे यार। महिंद्रा थार ओपी इन द चैट, हर कोई स्पैम कर दो यार कमेंट सेक्शन में, महिंद्रा थार ओपी गाइज लिटरली मजा आ गया। चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने। अब गाइज यार बारी आ जाती है स्कॉर्पियो एन की भाई, द न्यू बिग डैडी ऑफ एसयूवीज यार। देखते हैं क्या हम लोग स्कॉर्पियो एन की मदद से न्यू रिकॉर्ड बना पाते हैं। वैसे गाइज यार अभी तक का टॉप स्पीड का रिकॉर्ड महिंद्रा थार के हाथों लगा हुआ है ओके, लेकिन यार थार का रिकॉर्ड तोड़ने में मुझे नहीं लगता स्कॉर्पियो एन को दिक्कत होने वाली है यार। महिंद्रा की गाड़ी आप लोगों को बताया बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। एंड यार एक और चीज़ मैं आप लोगों को भूल गया था बताना कि भाई जो टोयोटा की गाड़ियाँ होती है ना वो सुपर कार्स भी होती है यार। मतलब फार्मूला वन में बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ जो टोयोटा फुल्ली स्पॉन्सर करता है, बट गाइस यार महिंद्रा इंडियन ब्रांड हो जाता है प्रॉपर ठीक है। बट खैर जो भी है, हम लोग यहाँ पे स्कॉर्पियो एन की मदद से 330 का टॉप स्पीड कवर अप कर सकते हैं ओके, कर लिए एंड 350 भी टच हो चुका है। ओ माय गॉड गाइस स्कॉर्पियो एन ओपी इन द चैट एंड 360 नहीं हो पाएगा यहाँ पे, हम लोग लेजेंडर का स्पीड पार नहीं कर पाए ओके। ब्रेक भी टाइमिंग में लग गया एंड 43 सेकंड यार यहाँ पे स्कॉर्पियो एन ने कुछ ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, बट खैर स्कॉर्पियो एन मतलब ठीक ही परफॉर्मेंस की ठीक है, मज़ा आ गया। चलो भाई अगली गाड़ी कौन सी है ओके, सेकंड पोजीशन पे बलेनो है। ओ माय गॉड गाइस सेकंड पोजीशन में बलेनो है एंड उसके बाद है क्या नाम है हमारी लैंड क्रूजर, उसके बाद बाकी गाड़ियाँ धीरे धीरे करके आ ही रही है ओके। ऑल राइट भाई आ जाओ चलो कूद आते हैं यहाँ से ओके। लोग कहाँ कूद रहे हैं? ऑलराइट गाइस चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं हुआ, मज़ा आ गया ये वाली ड्रैग रेस में मज़ा आया। खैर अब चलते हैं गाइस यार अगली ड्रैग रेस पे, मतलब अगली गाड़ी को ट्राई करने ठीक है। लेट्स गो, परफेक्ट लैंडिंग होगा सोचा था यार वह, चलो कोई बात नहीं। ऑलराइट गाइस यार अब हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं यार इनोवा क्रिस्टा को। लेट्स गो भाई 3 2 1 लेट्स गो। एंड भाई गाड़ियाँ कितनी सही लग रही है यार, ऊपर से यार सूरज का परफेक्ट रिफ्लेक्शन पड़ रहा है यार। चलो निकालते हैं यहाँ से गाड़ी को ओके। इनोवा यार ये जो है टॉप मॉडल है गाइस, अभी रिसेंटली मार्केट पे आई है ओके। यार मैं ठोक दिया अमर को, कोई बात नहीं। हम लोग को तो अभी i20 को, बलेनो को यार एंड उसको भी ट्राई करना है, क्या नाम है हमारी हमर को भी ट्राई करना है। वैसे यहाँ पे इनोवा अच्छा खासा स्पीड दे रही है भाई, देख के तो लग रहा है यार, लेकिन स्पीड फ्लक्चुएट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा यार इतने स्पीड में। आई गेस पहली बार फॉर्च्यूनर जा रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। बट यार फिर भी 260 का स्पीड, 270 का स्पीड दे ही रही है ओके। ब्रीथ टाइप की चल रही है, मतलब रुक रुक के मतलब ब्रीथ ले रही है लग रहा है, बट स्टिल मेरे को ऐसा लग रहा है 300 तो हम लोग टच कर ही देंगे ओके। और राइट थोड़ा सा आगे और एंड 300 ऑलमोस्ट ऑल टच हो चुका है एंड भैया 300 टच हो गया ओके। गाड़ी का गाइज यार यहाँ पे टॉप स्पीड अप 290 लेके चलो, क्योंकि गाइज यार 300 मैंने ओवर थ्रोटल पे टच करवाया एंड गाड़ी का ब्रेक भी अच्छे से नहीं लगा, नहीं पता क्या दिक्कत है। बट गाइज यार जो भी गाओ हम लोग यहाँ पे घर के ऊपर आ चुके हैं इनोवा क्रिस्टा की मदद से ठीक है यार। चलो कोई बात नहीं, गाड़ी सीधी हो जाए। अगर रियल लाइफ में गाइज कोई घर के ऊपर ऐसी गाड़ी गिरेगी ना, घर के अंदर घुस जाएगी भाई गाड़ी, घर का छत व सब टूट जाएगा, गाड़ियाँ इतनी भारी होती है भाई। बट ये गेम एक्चुअली इसलिए उतना ज़्यादा हम लोग को इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। बट खैर ये वाली ड्रैग रेस में मज़ा आया, इनोवा क्रिस्टा को थोड़ा बहुत टाइम लग गया, लगभग यार 47 सेकंड, मतलब आप कह लो 1 मिनट कुछ लग गया, बट खैर जो भी है मज़ा आया। चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस अब हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं i20 को एंड भाई i20 में नहीं पता मेरे को बहुत लंबी एंड बड़ी क्यों लग रही है यार, बट खैर जो भी है हम लोग थोड़ा पीछे आ जाते हैं। चलो गाड़ी को मैं सीधी कर लेता हूँ ड्रिफ्ट मार के ओके, चलो भगाते हैं लेट्स गो जी ओके। अच्छा खासा स्पीड तो नहीं दे रही भाई, इतना इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट किया था, 200 कम से कम पकड़ लेना था ओके। ठीक है अर्टिगा टक्कर नहीं ब्रो, लेट्स गो भाई। सबसे आगे अभी भी फॉर्चुनर, लैंड क्रूजर और महिंद्रा थार चल रही है, बट यार ओवरटेक करने की बारी मेरी है एंड गाइस मैंने यहाँ पे फॉर्चुनर एंड थार को ओवरटेक किया एंड i20 का यहाँ पे टॉप स्पीड मेरे को देखने को मिलता हुआ 220 ओके 230 ओके। ज़्यादा इससे नहीं जाएगी भाई, ये नॉर्मल एसयूवी गाड़ी है यार, कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा देगी। बट खैर जितना भी है ठीक है यार, 240 दे रही है यार i20, इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर लोगे आप ओके। 250, 260 ऑल राइट भाई, काफ़ी प्यारा स्पीड यहाँ पे i20 का देखने को मिलता हुआ, बट स्टिल यार गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पीछे है एज कम्पेयर टू बाकी गाड़ियाँ। बट स्टिल हम लोग यहाँ पे ब्रेक मारते हैं एंड गाड़ी को रोक लेते हैं, लगभग 1 मिनट तो लगा ही होगा लग रहा है ओके। 55 सेकंड लगे यार i20 को रेस कंप्लीट करने के लिए, जो कि टोटली बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू बाकी गाड़ियाँ यार। थार तो 38 सेकंड में पहुँची है ओके। शेट गाइस मेरे को लगा था मैं बीच से निकाल दूंगा, बट कोई बात नहीं,
टक्कर बाद में मजा आ जाता है यार, कुछ भी बोलो यार। खैर जो भी है गाइस यार, चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करते हैं। इस बार गाइस यार बलेनो या फिर अर्टिगा वगैरह को ट्राई करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल हम लोगों ने बहुत सारी गाड़ियों को ट्राई कर दिया है। तो लेट्स गो भाई। पानी में नहीं। ओके गई पानी में भाई। चलो कोई बात नहीं गाइस, चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करते हैं। ऑलराइट गाइस यार, हम लोग ट्रैक पे आ चुके हैं विद बलेनो भाई, पूरी ब्लैक कलर की है। एंड बलेनो का ये आप सस्पेंशन तो आप देख ही हो, सामने का चक्का पूरा उठ जाता है। ओके रेस चालू हो चुकी है। ओ माय गॉड, चलो हम लोग को भगाना पड़ेगा। ओके ऑलराइट गाइस, चलो फुल स्पीड। ओके यार मैंने हमर को टक्कर मार के हमर को हिला दिया, बताओ भाई क्या एंडेवर, क्या हाल चाल भाई। चलो भगाते हैं। ओके आई गेस यहाँ पे हम लोग को i20 से ज़्यादा स्पीड देखने को मिल रहा है। ओके 250 टच हुआ है यार, i20 इतना टच नहीं की थी। ओके यार ये तो 270 भी टच कर चुकी है। ओ माई गॉड, बलेनो ओपी इन द चैट यार, यहाँ पे i20 से ज़्यादा स्पीड कवर अप दे रही है। ओके लेकिन गाइस यार रियल लाइफ में देखा जाए मेरे ख्याल से i20 ज़्यादा तेज़ होती है बलेनो से। आपका क्या ख्याल है गाइस यार, i20 ज़्यादा तेज़ होती है या बलेनो? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर यार, दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। बट खैर यहाँ पे रेस खत्म हो चुकी है, 46 सेकंड लगे टोटल एंड गाइस यार ठीक है, एज कम्पेयर टू i20 यार हम लोग बहुत जल्दी पहुँचे हैं। ओके चलो मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा यार, बाकी गाड़ियों को भी तो देखना है। ओके कहाँ है अभी तक कोई नहीं पहुंची भाई, ये आ रही है, लैंड क्रूजर आ रही है। ओके लैंड क्रूजर भी भैया पहुंच चुकी है, एंड फॉर्च्यूनर आ नहीं, एक्सयूवी है, थार है, एंड यहाँ पे सारी गाड़ी आ रही है। ओ यार ओके भाई मेरे को, ओके दो दो हमर भाई, क्या बात है गाइस आज के रेस में दो दो हमर है क्या? बट खैर मजा आ गया गाइस, वो दोनों गए, वो दो आदमी देख रहे हो दोनों गए जॉगिंग कर रहे हैं, नहीं मैं ही गया पानी में सीधा भैया। चलो खैर कोई बात नहीं, चलते हैं अगले ड्रैग रेस पे। इस बार गाइस यार दूसरी गाड़ी को ट्राई करते हैं। ऑल राइट गाइस यार, अब बारी आ जाती है अर्टिगा की, लेट्स गो भाई। अर्टिगा को मैं लेकर के पीछे आ जाता हूँ यार, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। ओके लेट्स गो, 3 2 1 लेट्स गो पो। ओके हट जाओ यार, जाने का जगह तो दो। ओके चलो निकालते हैं यार। अर्टिगा भी वैसे हम लोग के पास जो है ना गाइस ये टॉप मॉडल है, मतलब यार अभी लॉन्च हुई है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको लॉन्च हुए, 2022 वाली है। एंड या हम लोग सबसे आगे चल रहे हैं। ओके ऑलराइट गाड़ी लेकिन स्पीड नहीं दे रही, अर्टिगा स्पीड नहीं दे रही है। ओके 230-250 जाएगी, उससे ज़्यादा जाना इम्पॉसिबल है। अर्टिगा यार 250 पकड़ ली लिटरली, मैं भाई अब 1,00,000 रुपए का गिव अवे कर दूंगा, ठीक है। चलो 1,00,000 रुपए का गिव अवे आप सभी को जो कोई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। वैसे मैं शर्त लगा सकता हूँ 250 नहीं जाएगी। ओके ओके जाएगी, नहीं गाइस जा रही है यार, मेरे को डर लग रहा है भाई, 1,00,000 रुपए देना पड़ जाएगा गाइस यार, है भी नहीं मेरे पास उतरे। बट खैर जो भी है गाइस यार, यहाँ पे हम लोगों ने रेस कंप्लीट कर दी है। एंड भाई मैंने यार यहाँ पे टोटल 250 का स्पीड कवर अप किया है अर्टिगा को लेकर के, ठीक है। वो जो 1,00,000 रुपए वाली बात थी वो मजाक थी, ठीक है गाइस, सीरियसली मत ले लेना समझे। यार कोई बात नहीं गाइस, होता है। वैसे यार अर्टिगा 250 पकड़ ली, इससे एक ऊपर नहीं गई भाई, अर्टिगा 250 से एक ऊपर नहीं गई, मजा आ गया। अर्टिगा ओपी इन द चैट, काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस यार। वैसे यार अर्टिगा बहुत पीछे थी, ये बात भी है, ओपी इन द चैट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है यार। उतना कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं दिया अर्टिगा ने, अगर अच्छी देती तो डेफिनेटली मैं बोलता ओपी वगैरह लिख दो बोल के, बट कोई बात नहीं गाइस यार, चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने। वैसे हम लोग सीधा गिरे हैं पानी पे, चलो कोई बात नहीं गाइस, लेट्स गो। ऑल राइट गाइज, अब बारी आ जाती है हमर की। एंड यार हमर की मेरे को एक चीज़ सबसे अच्छी लगती है भाई, इसका अलॉय व्हील सबसे बेस्ट यार, मतलब मेरी गेम में ये अलॉय व्हील सबसे बेस्ट है। इतने बड़े बड़े चक्के में इतने बड़े बड़े अलॉय व्हील लगे हुए हैं भाई, वो भी इतने डिज़ाइन सुंदर सुंदर। चलो खैर हम लोग को आगे निकलना है, लेट्स गो भाई। हमर अच्छा खासा स्पीड देगी मेरे ख्याल से, हमर ना ऐसी गाड़ी है ना जिसका पिकअप थोड़ा सा कम रहता है, बट यार एक पॉइंट के बाद अच्छा खासा स्पीड कवर अप कर सकती है। ओके बट यार देखने को तो नहीं लग रहा यार, कम से कम 200 अभी पकड़ रही है, नहीं 200 अभी तक टच भी नहीं किए। ओके ऑलराइट भाई नहीं हो रहा है, नहीं हमर से निकालना मुश्किल है, हमर से ओवरटेक करने में दिक्कत है, मैं टक्कर वक्कर मार दे रहा हूँ। क्या फॉर्च्यूनर भाई, मैं चाहूँ तो ना फॉर्च्यूनर को एक बार में ढकेल सकता हूँ, देख सकते हो यार इतनी ज़्यादा पावर है हमर में लिटरली भाई। ओके थार मेरे को ढकेल रही है भाई, जान मुझके देख रहे हो, चीटिंग। वैसे यार हमर उतना स्पीड नहीं दे रही, बट खैर जो भी है गाइस यार, मेरे आगे बलेनो चल रही है, बताओ यार बलेनो 250 पे जा रही होगी भाई, मैं बलेनो से पीछे चल रहा हूँ यार, बलेनो को तो पीछे ढक लेंगे, बलेनो तो ख़त्म है भैया, लिटरली ख़त्म है। क्या बलेनो क्या हाल चाल। ओके ओके
बलेनो अभी ओवरटेक कर देगी लग रहा है यार। नहीं नहीं ओवरटेक तो हम ही लोग ही कर चुके हैं, वैसे हम लोग फर्स्ट हैं। 1 मिनट 5 सेकंड लग गया, सबसे ज़्यादा टाइमिंग टाइम टेकिन वाली गाड़ी भाई यहाँ पे हमर निकली एंड हम लोग सीधा नीचे आ चुके हैं यार। स्मूथ लैंडिंग हुआ भाई, हमर बहुत भारी होती है ना गाइस। बलेनो भी यहाँ पे गिर गई है ओके, और थार वार भी गिर रही है लगता है ओके। लोग पहाड़ वहाड़ के ऊपर आ गए थार वगैरह भी, बट खैर ये वाले ड्रैग रेस पे थोड़ा मज़ा आया भाई, थोड़ा लंबा पड़ा है एंड यहाँ पे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, आराम से भाई देख रहे हो वहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ फिर भी चढ़ना है यार सबको, बट खैर मज़ा आ गया। हमर ओपी इन द चैट यार, काफ़ी प्यारा ड्रैग रेस था बट हम लोग बहुत ज़्यादा ही पीछे थे ओके। चलो खैर जो भी है, अभी तक का टॉप स्पीड का रिकॉर्ड यार महिंद्रा थार के पास है, लाइक 38 सेकंड में उसने यार रेस कंप्लीट किया है विद 370 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाई, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। बट खैर चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने, वैसे भी एक आध गाड़ियाँ ही बची हुई है ठीक है। ऑल राइट गाइज यार, अब बारी आ जाती है यहाँ पे टाटा हैरियर की एंड आज की आखिरी गाड़ी है गाइज यार। तो गाइज यार ये वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो यार, मतलब आप मेरे ट्रू फैन हो एंड ट्रू फैन कभी भी अपने फेवरेट यूट्यूबर का वीडियो को लाइक करे बगैर नहीं चाहते, तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना एंड यार अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, बस लाल वाले बटन को दबाना है, ठीक ऐसी लाल रंग की थार है वैसी ठीक लाल रंग की सब्सक्राइब बटन है ठीक है, तो दबा देना। फिलहाल चलो आगे निकलते हैं, देखते हैं हैरियर का स्पीड कितना मिलता है ठीक है ओके। सबसे आगे लैंड क्रूशर चल रही है यार, क्या लगता है लैंड क्रूशर को कवर अप दे पाएंगे कि नहीं। वैसे हैरियर की ये कलर कैसी लग रही है गाइस आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार। वैसे हैरियर ज़्यादा स्पीड नहीं दे रही है ओके, 240 और 260 जाएगी ओके। नहीं 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 260 थोड़ा मुश्किल है, नहीं हो जाएगा 260 टच हो जाएगा ओके। काफ़ी प्यारा गाइस यार हैरियर का परफॉर्मेंस, 270 भाई धीरे धीरे पकड़ रही है लेकिन स्पीड बढ़ रहा है यार यहाँ पे ओके 271 एंड यार कायदे से देखा जाए तो गाड़ी आराम से 300 पकड़ेगी, बट यार वही बात हो जाती है ट्रैक छोटा पड़ जा रहा है। बट हम लोग यहाँ पे यार थोड़ा लेट से पहुँचे हैं भाई, 55 सेकंड लगे बट ठीक है। ऑल राइट गाइस यार जो भी है, बट यार यहाँ पे रेस खत्म हो चुकी है एंड यार रेस के विनर है महिंद्रा थार सबसे पहला, तो उसके बाद लेजेंडर एंड उसके बाद आई गेस थर्ड पोजीशन कौन सी गाड़ी आई गाइस वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। चलो आप मुझे ना 0.1 से लाइक कौन सी गाड़ी को आप सपोर्ट करते हो, आपको क्या लगता है रियल लाइफ में ना कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा तेज़ है, लाइक फास्टेस्ट कार आप कौन सी गाड़ी को कहते हो ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि गाइस यार बाकी जो भी डेट्रैक्स फैमिली के मेंबर है वो यार देख करके समझ सके कि उनके नज़र में कौन कौन सी फेवरेट कार जो सबसे ज़्यादा तेज़ है ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट गाड़ियों का नाम लिख देना। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो पे। टिल देन अगर आपको और वीडियोज़ देखनी है, ड्रैग रेसेस देखने या चैलेंजिंग वीडियोज़ देखने, तो स्क्रीन में आपको 2 वीडियो मिल जाएंगे, आप इन्हें देखो मज़े करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय टाटा एंड Love you all guys and subscribe जरूर कर देना। Bye.